बोली डमरुआ वाले की जय हो, बोली बाबा भूतनाथ की जय। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण लज्जा सबकी राखियो नंदी शिव समान दाता नहीं विपति विदारण लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी शिव भोले को संग लाओ जी मारा प्यारा गजानंद शिव भोले को संग लाओ जी मारा प्यारा गजानंद उत्सव माही पधारो जी मारा प्यारा गजानंद उत्सव माही पधारो जी तो बोले राम बैठे तो
मैंने सारे देवी देवता को बुला लिया, आपको ये नहीं कह सकता कि संदीप भाई कोई देवता छूट गया है कि नहीं। आइए आज का सबसे पहला भजन माँ गायत्री के चरणों में, और ये बिल्कुल नया भजन आज ही लिखा गया है, ये प्रभु की कृपा है जो आज ये दो तीन भजन लिखवा लिए आज बाबा ने। आज कोशिश करते हैं कि आप सबको भी अच्छा लगेगा, लेकिन शर्त मेरी एक है कि अकेला मैं नहीं गाऊंगा, आपको भी गाना पड़ेगा साथ एक जयकार का। बोली गायत्री मात की देख के दुख औरों का मां तू तिरोई, मां तेरे जैसा मुझे दिखता न कोई। देखिए जो हमारे ऊपर थोड़े से एहसान करता है ना, वो एहसान ऐसे कर देता है कि उसकी याद दिल से उतर नहीं सकती। देख के दुख यारों का मां तू तिरोई, मां तेरे जैसा मुझे दिखता न कोई। तेरे दिल में बसता है भक्तों का प्यार, बोलिए तेरे दिल में बसता है माँ भक्तों का प्यार, माँ गायत्री तेरी जग में है जय जयकार, माँ गायत्री तेरी जग में है जय जयकार। इस बात से कौन कौन सहमत है, कौन कौन सहमत है? और ये मैं जानता हूँ जो जो माताजी से मिला है, जो जो माताजी के साथ में रहा है, वो उसको वो प्यार इस भजन में याद आएगा। कौन कौन चाहता कि हमारी तरफ से भी एक श्रद्धा सुमन अर्पित हो जाए माँ के चरणों में? एक हाथ है तो एक, और दो है तो दो, उठाई लो मेरे हाथ और लगा की ताली एक साथ, वन टू थ्री फोर। कीर्तन में कभी शांत नहीं बैठना चाहिए, दोनों हाथों को चलाते रहना चाहिए।
क्योंकि इसके घर्षण से हमारी जिंदगी अपने आप समझ जाएगी। अरे कुछ करो तो एक साथ और बोलो क्या देव की नंदन जी की तू परछाई से जुड़वाया और वो लगन लगी और जितना समय मैंने माता जी के साथ बिताया जो अनुभव था मैंने इसमें लिखा और कहा क्या ओ देख कि दुख औरों का मां तू थी रोई मां तेरे जैसा मुझको दिखता ना कोई गायत्री माँ मेरी माँ
गायत्री माँ मेरी माँ, ये जग है बेगाना दुखों ने घेरा है, जग है बेगाना दुखों ने घेरा है, कोई ना मेरा का हर सपना तू करती है साकार, रोशन का हर सपना तू करती है साकार, भक्तों का हर सपना माँ करती हो साकार, भक्तों का हर सपना करती हो माँ साकार, माँ गायत्री तेरी जग में है माँ गायत्री तेरी जग में है जय जयकार। पहले बताइए ये आज पहली बार लिखा, आज लिखा भजन और पहली बार गाया, कैसा लगा? कैसा लगा? क्योंकि हम लोग खुद मानते हैं कि भाई मेरी ताकत नहीं कि मैं लिख पाऊं, ये तो उसकी इच्छा थी कि आज संदीप ये गाएगा और उसने हमसे लिखवा लिया, और हमारे गाते गाते आपने भी साथ में गाया, तो माँ ने आपसे भी गवा, किसको किसको आनंद आया, ये बार लंबे लंबे हाथ उठा के और कहेंगे क्या, माँ गायत्री तेरी हो रही है जय जयकार, माँ गायत्री तेरी जग में है जय जयकार, माँ गायत्री तेरी जग में है जय जयकार। बोली गायत्री मात की, बोली बाबा गंगा राम की जय। रेत में खूबसूरत कमल खिल गया, देव की नंदन को भक्ति का फल मिल गया, देव की नंदन को भक्ति का फल मिल गया, स्वर्ग से खूबसूरत है धाम आपका, स्वर्ग से खूबसूरत है धाम आपका, शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम आपका, शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम आपका, किसको किसको झुंझुनू जाता है, मंदिर में जाता है, पंचदेव धाम में जाता है, किसको किसको वहां स्वर्ग का सुख मिलता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठाओ, आप हाथ उठाओ, जिसको जिसको वहां पे आनंद आता है साक्षात गंगाराम बाबा की, देवकी नंदन जी की, गायत्री मात की कृपा बरसती है, पंचदेव दरबार की कृपा बरसती है, स्वर्ग सा लगता है, वो लोग हाथ उठाओ और ऐसी ताली बजाओ कि आज एक एक ताली का हिसाब मेरा बाबा दे। कौन कौन चाहता है लगा की तरह क्या काम आया है भक्तों के, बाबा का नाम लेते हैं हमारा काम हो जाता है, किसके किसके काम आता है बाबा का नाम, उठाओ ना मतलब हाथ ऊपर और ऊपर लगा के तरह क्या काम आया
शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम पुता, शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम पुता। बोल बाबा गंगा राम की। फल मिल गया देवी नंदन को भक्ति का फल मिल गया। स्वर्ग से खूबसूरत स्वर्ग से खूबसूरत है धाम आपका, स्वर्ग से खूबसूरत है धाम आपका। शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम पुता, शुक्रिया शुक्रिया गंगा राम पुता। पापा ने इनको इस लायक समझाए तो खड़ा कर दिया और साथ में नाच रहा है कि नहीं? कौन कौन चाहता कि हम भी नाचे एक बार? बैठे बैठे दोनों हाथों पर लगा के तले एक साथ हुआ है गुलाम आपका, अब तो रोशन हुआ है वो
पंचदेव दरबार की। अरे वाह, एक बार और लालची ना ब्राह्मणों को लालच हो गई सस्ता। ए जकार बोले बाबा गंगाराम की। आइए एक भजन और। चिता में देख पति को सती ने अरज लगाई, भगत की खातिर भगवन ने भक्ति की शक्ति दिखाई, तब चिता से हाथ उठाया, आशीष सभी ने पाया, फिर चिता से हाथ उठाया, आशीष सभी ने पाया, ईश्वरी है यही पर ईश्वर है, वो सबके बाबा अंदर है। बाबा ने भजन लिखवाया तो मैंने उससे सवाल भी किए थे कि महाराज अंदर कैसे हो सकते हो, तो बाबा ने इतने ही काम कि बेटा क्यों बाहर झांकते हो, पंचदेव मंदिर तुम्हारे दिल के अंदर है, आंख बंद करो हाजिर हो जाओ, अगर फिर भी दिक्कत हो तो एक बार झुक जाओ और फिर वहां पे रिचार्ज हो जाओ। कौन कौन मानता है कि बाबा हमारे अंदर है, बाबा गंगाराम हमारे अंदर है, किसके किसके अंदर है भाई, किसके किसके और ऊपर लगा कि लगेंगे क्या, तुम्हारा वंदन करती है ये दुनिया
किसको किसको भजन अच्छा लग रहा है? ताली तो ये लोग अच्छी बजाते हैं, जयकारे अच्छी बोलते हैं और ताली यहाँ अच्छी बजती है। सीधे सीधे हाथ ऊपर और ऊपर लगा के तालियां एक सेकंड बोल पंचदेव धाम की। बाबा सीतारा कहते हो बाबा सबसे बड़े हो तुम मेरे घर के, तुम मेरे घर के सारे के सारे रिश्तों से बढ़ के, सारे के सारे रिश्तों से परिवार के सारे कष्ट दुख हर लीजिएगा। कौन चाहता है संभल महान आओ ये ताली एक साथ बोल बाबा गंगा राज में की
सबको है अपनी पड़ी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी, नाम जपले घड़ी दो घड़ी, नाम जपले घड़ी दो घड़ी। कौन कौन नाम जपेगा ईमानदारी से? भैया दादा दादा रिपीट कर दो सर। कौन कौन नाम जपेगा? लम्बा लम्बा हाथ पर और ऊपर लगा के तले एक साथ। आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी, आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी। लोग कहते हैं कि पापा देता नहीं है। अरे महाराज फेसबुक का जमाना है, 4 साल पहले की अपडेट छांटो और आज का अंतर देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे पापा ने आपको कितना ज्यादा दिया है। इसीलिए कहता हूँ क्या, आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी, आज मुझे सब पूछ रहे कल तक क्या मेरी हस्ती थी। ना ये रंग था, ना ये रंग था, ना ये ढंग था, ना तेरे नाम की मस्ती थी, ना ये रंग था, ना ये ढंग था, ना तेरे नाम की मस्ती थी। तूने ही अनमोल मनाया वरना जिंदगी सस्ती थी, तूने ही अनमोल बनाया वरना जिंदगी सस्ती थी। दिल जले है ना, दिल जले तेरी कहते नहीं कि हम भक्तों के आंसू, हम बच्चों के आंसू पोछने मेरा बाबा आता है और आकर के सर पे हाथ फेर के पुचकारता और कहता है बेटा ईश्वर है यही पर, ईश्वर है वो सबके बाबा अंदर है। भजन पूरा हो गया, किसको किसको अच्छा लगा? ईमानदारी से ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ में ले। देखिए ये चटपट चटपट तालियां बजती है ना, ये मदारी के खेल में लगाते हैं और जो भक्त होते हैं वो सीधे हाथ।
जो भक्त होते हैं वो सीधे सीधे हाथ होते लंबे लंबे हाथ और ऊपर और ऊपर और आधा मिनट हाथ पीछे नहीं करेंगे, लगा के देखेंगे क्या ईश्वर है कहीं पर। ईश्वर कुमार संदीप को सुन रहे थे जो अपने मीठे मीठे शब्दों में बाबा जी का गुणगान कर रहे थे। आपके बीच कलकत्ता से आए श्री नवीन जी जोशी और श्री विशाल जी पधार चुके हैं बाबा जी के दरबार में। आगे ये बाबा जी के मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, साथ ही साथ बाबा जी की लीला के बारे में नृत्य नाटिका के माध्यम से जो इनका ग्रुप है भास्कर दायन ग्रुप, वो साथ साथ आपको बाबा जी की जीवंत सजीव नृत्य नाटिका भी साथ साथ प्रस्तुत करेंगे। मैं शिव चिरंजी शास्त्री जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, साथ ही सत्यनारायण जी को भी बुलाना चाहता हूँ। आप लोग आके श्री नवीन जी का शिव चिरंजी शास्त्री जहाँ कहीं भी हो और सत्यनारायण जी कंसल वो जहाँ भी हो मंच पर पधारें। श्री शिव चिरंजी शास्त्री नवीन जी को माल्यार्पण करके और दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे, साथ ही श्री सत्यनारायण जी वो विशाल जी को बाबा जी के नाम का दुपट्टा बोलो बाबा गंगा राम की जय, पंचदेव दरबार की जय। दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला भेष, सारा पहला सुमरियो गौरी पुत्र गणेश। नमो नमो माता पिता जिनसे भयो शरीर, नमो नमो गुरु आपको जिन दिया भजन में सी। जय 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 मां शारदा, सर्व स्वरों की खान, ऐसा स्वर दो मां हमें रीझे। गंगारा भक्त देव की सुजा रीझे, गायत्री माँ हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो चित लगा, दास करे विनती रखियो म्हारी
बोलिए बाबा गंगाराम जी की, पंचदेव दरबार की, भक्त शिरोमणि श्री देव किरंदन जी की, परम राधिका माता गायत्री की, पंचदेव दरबार की। बोलिए साचे दरबार की। ऐसा लग रहा है कि तिकुनिया में आज कोई मेला लगा है बड़ा, इतना उत्साह है भक्तों के अंदर। ये बाबा गंगाराम जी की विशेष कृपा है, इतने भक्त दरबार में बैठे हैं। माताएं बहनें व्यवस्थित हो रही हैं आराम से, धीरे धीरे मैं आपसे पूछना चाहूंगा शुरू करने से पहले, इतने भक्त दरबार में बैठे हैं, बाबा गंगाराम जी के दरबार में पहली बार कौन कौन आया है? हाँ, एक बार हाथ उठाकर दिखाना, पहली बार कौन कौन आया है? इतने भक्त पहली बार आए, मतलब 80% पहली बार आए, बस हाथ नीचे कर लीजिए। ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसके दरबार में विश्वास कीजिए केवल 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 सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना और सच्चा समर्पण मिल जाए बाबा जी को, तो बाबा जी उस भक्त के हो जाते हैं। जो भैया लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी विनती करूंगा, अगर बैठ जाएंगे दरबार में आकर तो पीछे जो भक्त खड़े हैं, जो आ रहे हैं, उनको भी बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। आज पहली बार बाबा जी का उत्सव आपके इस प्यारे से शहर तिकुनिया में हो रहा है, और पहली बार में इतने भक्तों की भीड़ है, ये बाबा जी की विशेष कृपा है कि बाबा गंगाराम जी ने सबको अपने श्री चरणों में बैठाया है। देखिए उम्र में लगभग मैं सबसे छोटा हूं, आप सब बड़े बैठे हैं, और आपसे ही मैंने ये सीखा है, बड़ों से ही मैंने ये बात सीखी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहु विधि सब समता। हरि की कथा कोई नहीं कह सकता, कोई बखान नहीं कर सकता, और विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जिनकी इस कलयुग में अजर अमर लीला है, अविश्वसनीय कृपा है बाबा जी की। मैं जहां भी जाता हूं बाबा जी के दरबार में, कभी कलाकार बनकर नहीं जाता, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दुनिया में इससे बड़ा कलाकार और कोई नहीं है। यहां तो सेवक बनकर रिझाने में फायदा है, तो प्रभु जल्दी मिलते हैं, तो मुझे कलाकार की नजर से मत देखिएगा, मैं आपका छोटा भाई हूं। फर्क इतना है कि बाबा जी ने अपने चरणों की सेवा का मौका दिया है, और आप सब इतने भक्त पहली बार आए हैं। एक जयकार बड़ी प्यारी होनी चाहिए, बोलिए बाबा गंगाराम की। क्या बात, भक्त शिरोमणि श्री देव किरंदन जी की, परम राधिका माता गायत्री की, साचे दरबार की। अब आपका ध्यान आ गया है बाबा जी के चरणों में, भजन शुरू करूं, बाबा जी की महिमा का गुणगान हम लोग करें। उससे पहले बाबा जी के बारे में सूक्ष्म रूप में आपको बता दूं, ताकि बाबा जी की महिमा का आपको ज्ञान होगा तो आपकी भक्ति थोड़ी और बढ़ेगी। झुंझुनू में बाबा गंगाराम जी का मंदिर है, पंचदेव मंदिर के नाम से, पंचदेव धाम, खेमी सती मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड में, चुरू पिलानी बाईपास पे।